अभी थोड़ा सा स्विच करने का सोच रहे हैं, तो जीना नेट का मन बन रहा है। तो अभी मैंने उसका प्राइस चेक करा था शोरूम में जाकर, तो वो मुझे 12 लाख समथिंग पड़ रही है। ठीक है, क्या सच्ची? एंड उसमें जैसे उसको निकाल के बेड पे रखा ना, गोप्रो नीचे उतर गया सारा, और मतलब माउंट टूट गया भयंकर। बिना इंडिकेटर दिए भाई अगला है ना रोड क्रॉस करने लगा वो, तो अच्छा भाई ब्रेक मार दी मैंने भयंकर, नहीं तो अभी ठुक जाते भयंकर दोनों वैसे। अरे अरे साले आधे से ज्यादा, आधे ज्यादा तो डरा दे रहा है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है मस्त तरीके से घर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3-4 दिन से हम लोग घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन दीपक के घर से करा था क्योंकि भाई उस दिन ना सारा सामान मेरा दीपक के पास ही पड़ा था। एक दिन पहले मैं उसके पास गया था अपना माउंट वगैरह चिपकाने के लिए, तो उसके पास पड़ा था केबल वेबल सब, तो इसलिए उसी के घर से स्टार्ट करा व्लॉग। एंड फिलहाल जो धूप बहुत ज़्यादा तेज आ चुकी है, एंड जैसे इस तरफ को मुड़ रहा हूँ ना एकदम भयंकर मुँह पर पड़ रही है धूप। तो फिलहाल भाई टाइम हो चुका है 4:52, 5 बजने वाले हैं। एंड गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक काम निपटाने के लिए, एंड बहुत जरूरी काम है। एंड वो क्या चीज़ है वो तुम्हें बताता हूँ। परसों मैं रात को आया था, हेलमेट वगैरह सब चिपका हुआ था अच्छे से, हिमानी ने हेलमेट पकड़ा एंड उसको पहनने की कोशिश करी, एंड उसने जैसे उसको निकाल के बेड पे रखा ना, गोप्रो नीचे उतर गया सारा, और मतलब माउंट टूट गया वो। तो अच्छा भाई जब उसने पकड़ा हुआ था तब नहीं टूटा माउंट, अगर तब टूट जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो फिलहाल जो है वो वाला माउंट जो है वो टूट चुका है, इसकी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। कल मैं गया था माउंट लेने के लिए बट बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, बट फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं माउंट लेने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, मैं तो काफ़ी देर पहले निकलने की सोचा था बट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा धूप थी। एंड अभी चेक करो भाई, अभी भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल करके भाई निकलते हैं फटाफट से। बाकी मैंने हाइड्रा को तो खैर दिन में बाहर निकाल दिया था क्योंकि भी सौरभ भी आया था ना, उन्हें लेके आया था मैं कटगरिया से, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे लगा दिया। तो फिलहाल जो है ये लगी हुई है हमारी हाइड्रा, एंड फिलहाल जो है ये चेक कर सकते हो तुम लोग, यहाँ से आगे के जो माउंट है ना सब टूट चुके हैं। एंड अभी पता नहीं गोप्रो को मैं कैसे सेट करूँगा, मुझे खुद भी नहीं पता, बट गोप्रो को तो खैर हम लोग इसमें जैसे तैसे करके फिट कर ही देंगे। एंड खैर अभी मैंने इसमें लगाने की कोशिश करी ना गोप्रो को, तो गोप्रो फिट नहीं हो पा रहा, तो अब इसमें पहले मैं माउंट ही लगाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा फिट। मुझे लग रहा था हो जाएगा क्योंकि पहले जब मैं वीडियो शूट करता था तब हो जाता था, बट अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एंड स्कूटी पे एक माउंट पड़ा था, स्कूटी हमारी लेके गई हुई है, तो अभी तो खैर वीडियो शूट नहीं हो पाएगा, तो पहले मुझे माउंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई माउंट लेके आते हैं, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को। भाई ये बकचोदी हो गई है भयंकर बहुत बड़ी वाली। तो गाइस फिलहाल माउंट वगैरह जो हम लोग को बढ़िया करके मिल चुका है, एंड भाई एक ही माउंट लिया मैंने, तो पूरा जो सेट था ना उसमें बहुत सारे गैजेट रखे हुए थे, वो उतने सबके तो मुझे जरूरत थी नहीं, एक की जरूरत थी तो वही मुझे चाहिए था। एंड वो भी भाई इन्होंने मुझे पता कितना महंगा दिया, भयंकर 225 रुपये का, वो भी सिर्फ ये चीज़। ये देख पा रहे हो तुम भाई, बस इतनी सी चीज़ लिया मैंने, बस ये दूसरा वाला मेरे पड़ा था, बस ये चीज़ नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं, जो भी है मेरे को मिल गया। एंड फिलहाल अभी जो वीडियो शूट करते करते मुझे इतना लेट हो गया, घर से मैं 4:52 निकल गया था। एंड भाई अभी 7 बज चुके हैं, अब जाके मुझे सारा सामान मिला है इसका, एक दो जगह पे तो मिला ही नहीं था, वो तो पता नहीं एक जगह पे जाके मिल गया जाए तैसे करके, बट फिलहाल जो भी है अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वीडियो भयंकर। एंड फिलहाल अभी दीपक भी आया हुआ है, उसका बुलेट खड़ा हुआ है, एंड पीछे अपनी हाइड्रा, एंड ये मैंडी भाई की धन्नो। तो फिलहाल भाई चलते हैं हम लोग, एंड ये आ चुका है यहाँ पे बढ़िया करके। ये कुछ कहना चाहोगे? 15,000 व्यू आ गए। एटीट्यूड किंग मैंडी के 15,000 आ गए भाई, शूट में परमिशन। मैंडी भाई आपकी वीडियो बना लूं? मैंडी भाई नहीं नहीं सकता, 500 रुपये भाई देख रहे हो, 500 रुपये 500 रुपये कितने? 5 दिन के लिए, 5 दिन के 500 रुपये, सस्ता है भाई, चीप चीप मैंडी जैसी। तो फिलहाल जो है भाई सो चीप, ये देखो ये देख रहे हो, ये डालूंगा मैं, ठीक है, ये देख रहे हो भाई, ये हमें तो अंडरवेयर तो पहनी है, बीच में लोग जाते नहीं ऐसे, मतलब तो ये बीच थोड़ी है, हल्द्वानी है, लड़कियां वहां बिकनी में जा रही हैं, तो ये ऐसे मजा नहीं। तो अभी गाइस फिलहाल हम लोग की जो हाइड्रा है वो तो मैंडीफाई लेके जा रहे हैं, तो फिलहाल हम जो है भाई बब्बन भाई की ड्यूक पे जा रहे हैं। एंड ये भयंकर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, देख सकते हो पैर भी नहीं लग रहे, वैसे तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, पूरा अंधेरा है। बाकी अभी दिखाता हूँ, वेट बस तो स्टार्ट करते हैं एक बार, हाइड्रा तो स्टार्ट हो चुकी है। सो फिलहाल गाइज हम लोग बब्बन भाई की ड्यूक से निकल रहे हैं, एंड ये भयंकर पीछे एग्जॉस्ट मारे जा रहे हैं इतनी जोर से। एंड अभी गाइज तुमने पहली बार देखा होगा अपने भाई को BS4 चलाते हुए, मैं चलाता नहीं हूँ BS4, मतलब बहुत कम, आज तक चलाई नहीं कभी, सीधा BS6 ही ली थी। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग BS4 पे, एंड गाइज इस गाड़ी में पावर बहुत है भयंकर, मतलब थोड़ी सी रेस देती है भयंकर, ऐसे उठ रही है ना आगे से। बाकी ये चेक करो भाई इनको दे, एंड भाई BS4 का लुक कुछ इस तरह से आता है। एंड ये बब्बन भाई भयंकर बुलेट को कुछ इस तरह से लेते हुए निकल गए हैं। ओ भाई 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 क्या बात है यार भाई, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी एकदम सही हो रखा है, अभी बब्बन भाई ने ली थी। एंड गाइस बाकी वाली ये जो ड्यूक है ना ये बब्बन भाई की है। तो फिलहाल जो है हम लोग कुछ इस तरह से निकल रहे हैं, एंड ये चेक कर पा रहे हो तुम लोग साउंड भाई साहब एक नंबर। एंड आज का व्लॉग काफी लेट स्टार्ट हो रहा है, बाकी गाइस तुम्हें पता तो लग ही गया भाई कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी गाइस फिलहाल दीपक मेरे पीछे बैठा हुआ है, एंड भाई घोड़ा आ गया अचानक से आगे। तो फिलहाल जो है हम लोग भाई इस वाली बाइक से कटिंग बहुत तगड़ी होती है भयंकर,
ओ भाई इसका आगे वाला हैंडल वॉबल कर रहा है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो बैंक। मतलब हमारी हाइड्रा का है ना भाई, इतना सा भी टायर वॉबल नहीं करता, बट इसका जो अभी आगे से बहुत वॉबल कर रहा है वैसे। अरे अरे साले आधे से ज्यादा, आधे ज्यादा तो डरा दे रहा है। वाइजर लगा हुआ है ना तो उसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, मतलब है ना लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है पूरी आंखों में। गाइस आज के जो व्लॉग है काफी लेट स्टार्ट हुआ, बाकी तुम्हें पता ही है भाई माउंट टूट गया था इसकी वजह से बहुत लेट हो गया, बट जो भी है भाई काफी दिन से ना दिन में व्लॉग हो रहे थे तो भाई हमने सोचा कि आज का जो व्लॉग है थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट में शूट हो जाएगा, तो कभी कभी भाई नाइट में भी कर लेना चाहिए, मस्त लगता है। बाकी यहाँ पुलिस की गाड़ी जा रही है तो इसके साथ रेस नहीं लगाएंगे, नहीं तो भाई आगे पकड़ के चलान काट देंगे। एंड ये देख रहे हो भाई तो फिलहाल इस वक्त जो है हम लोग CSB जा रहे हैं, चाय सुट्टा वार हम लोग का ऑफिस जैसे कि तुम लोग को पता होगा। एंड ये भयंकर बिना इंडिकेटर के रोड क्रॉस कर रहा है भाई। ओ भाई ऐसे हिल रही है ना भयंकर, क्या ही बताऊं, मजा आ रहा है लेकिन। ये देखो तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग CSB के बाहर, एंड यहाँ पे रुकते हैं मस्त करके, एंड उसके बाद जाके भाई मस्त यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं 10-15 मिनट, एंड उसके बाद निकलेंगे फटाफट से। एंड ये देख रहे हो भाई ये पहले पहुंचे ये भाई ये ना भयंकर बहुत ऊंची है, ये देख सकते हो। एंड भाई इसका टायर चेक करो, मैंने अभी पहले तुम्हें दिखाई नहीं है तो अभी तुम्हें अच्छे दिखाता हूँ, बाकी टायर चेक करो भयंकर कितना वाइड है। क्या भाई तुम्हारी बाइक चलाई ना मजा आ गया सच्ची। फिलहाल हम लोग तो आ चुके हैं भाई बुलेट पे, एंड हेयर इज मैंडी भाई एंड हेयर इज बब्बन भाई, तो चलते हैं, तो चल रहे हैं भाई फटाफट से यहाँ से। ओह क्या बात है भाई, ये ऐसे रौंद के चला रहे ना भयंकर, क्या ही बताऊं तुमको भयंकर, मतलब पूरी है ना फाड़ के रखी हुई है इन्होंने रोडों पे भयंकर। ओहो भाई ये बुलेट चलाने में भयंकर अलग ही मजा आता है भाई, क्या बात है। एंड इसका पीछे वाला ब्रेक है ना पूरा भयंकर खराब हो रखा है। एंड अभी भयंकर यहाँ पे पुलिस वाले भी इस टाइम पे ना बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हम लोग को साइड साइड से फटाफट से निकालना पड़ेगा। एंड ये लोग तो भाई गायब हो गए भयंकर, कहाँ चले गए भाई। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं हम लोग KFC में, तो फिलहाल जो है मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी, मतलब है ना हम लोग कुछ चीज है जिसपे, मतलब हम लोग है ना मतलब हाइड्रा से थोड़ा सा स्विच करने का सोच रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब अभी कुछ वो नहीं हुआ है, मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग कब लेके आने वाले वो चीज, बट बहुत जल्दी ले आएंगे, तो बस उसी की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तुम बताओ मतलब Z900 बढ़िया है या ZX10R? यार मैंने दोनों में से, मैं गरीब हूँ मैंने देखी नहीं है कभी, क्या करूँ मैं तो भगवान मेरे को कुछ टाइम पहले ही परसों जब वो UK07 बात कर रहा था तब मैंने सुना कि ZX10R भी है और दूसरी कौन सी गाड़ी बोली Z900 वो तो मैंने देखी नहीं है, मैंने ZX10R देखी है, मैंने बाबू भैया की एको देखी है बस, ZX10R भाई माँ की कसम मुझे ज्यादा नहीं पता है भाई। अभी तुमने बोला एको ZX10R मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मतलब मुझे नहीं पता, पर लेकिन मेरे को उसकी अच्छी लगती है, एक निंजा भी अच्छी लगती है मुझे। मतलब भाई देख रहे हो जबरदस्ती बकचोदी कर रहे हैं, पर जो भी बकचोदी से साइड होकर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना काफी टाइम से सोच रहा था कि यार हाइड्रा से स्विच कर लिया जाए, अब क्योंकि ना हम लोग ने मोस्टली 100+ वीडियोस बना चुके हैं हम लोग हाइड्रा पे। एंड बाकी भाई मैं इसको मतलब चला चला के एकदम मतलब है ना हादसा तो नहीं कह सकते, मतलब बोर्ड जैसा तो नहीं कह सकते, मतलब फिर भी मतलब है ना आदत हो गई है अब CC को चलाने की, लेकिन अभी थोड़ा सा स्विच करने का सोच रहे हैं, तो Z900 का मन बन रहा है। तो अभी मैंने उसका प्राइस चेक करा था शोरूम में जाकर, तो वो मुझे 12 लाख समथिंग कुछ पड़ रही है, ठीक है। तो बाकी अभी कलर वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो कलर तो भाई मैं ये वाला ही लूंगा बैंक का ग्रीन कलर। हमारे पास पैसे कम पड़ेंगे तो 2 लाख रुपए हम देंगे तुम्हें, जिंदा कमिटमेंट है, 2 लाख रुपए का चेक हमारी तरफ से आएगा तुम्हें। तो भाई वैसे अगर पैसे की दिक्कत होगी तो कर लेंगे, मैंडिया बैठे हैं 2 लाख रुपए दे देंगे बाकी हम लोग भाई अभी देख तो रहे हैं, बाकी एक बार भाई अभी नोएडा जाके है ना एक बार जाके कावासाकी के शोरूम में भी अच्छे से देख लेंगे, उसका प्रॉपर तुम्हें ब्लॉग मिल जाएगा। अभी देख रहे हैं फिलहाल, तो अभी देखते हैं भाई कब का सीट बनता है लेने का। शोरूम में गए ना मुझे भयंकर बजाज के ऑटो वालों ने बाहर निकाल दिया, तुम्हारी ऑटो लेने की भी औकात नहीं, बाहर निकल यहाँ से। कह रहे मैंने कहा कितने का ऑटो अभी खरीद लूंगा, कह रहे 1.5 लाख रुपए, मैंने कहा ठीक है भैया अभी खरीद पाऊंगा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन गाइस मजाक से हटके हम लोग जाने वाले हैं नोएडा जाके, बस भाई 10-12 डेज के अंदर हम लोग वापस नोएडा जाने वाले हैं, एंड वहाँ जाके एक बार हम लोग जाएंगे दिल्ली एंड कावासाकी के शोरूम में जाके प्रॉपर एक बार पता करके आएंगे कि कितना क्या सीन बन रहा है, तो फिर देखते हैं कि भाई क्या बनता है। बाकी जो है प्रिपरेशन जो है वो फिलहाल अभी से स्टार्ट हो चुकी है, तो देखो भाई कब आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज का मैं तुम्हें कंफर्म बताता नहीं हूँ कि तब ये चीज मतलब इतने डेट को आएगी भाई। जैसे आईफोन का मैं तुम्हें बोला था कि 1 महीने बाद लेंगे, बट हम लोग 1 हफ्ते के अंदर ले आते हैं, एंड एग्जॉस्ट का मैंने तुम्हें 1-2 महीने बोला था, बट 1.5 हफ्ते के अंदर हो गया, तो वैसे इसका भी मान के चलो मतलब इस ईयर के अंदर आ जाएगी, बस अब वो नहीं कहूंगा कब आएगी, तो बस आ जाएगी, एक अंदर आ तो जाएगी, लेकिन आपको व्यूज पहुंचाने पड़ेंगे 30 करोड़ और अगले दिन ही गाड़ी तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे घरों पे नहीं इसके घर पे,
30 करोड़ में तो आई जाएगी। हाँ तो भाई अगर तुम लोग 30 करोड़ व्यू कर देते हो तो अगले महीने ले आएंगे, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है भाई, देख लो अगर इतनी जल्दी चाहिए तो कर लो मोटा मोटा 30 करोड़ बोले। जो हम लोग ने बात की ना कि हम जीना हैंडल लेने का सोच रहे हैं, तो उसी के लिए मतलब मैंने बोला है कि अगर नेक्स्ट मानने तू ले रहा है मेरा मतलब, हाँ मतलब हम दोनों ने सोचा था, बट फिलहाल अभी जो मेरा बन रहा है सीन, अभी पैसा मेरे पे नहीं आया, पैसा इस पे आ चुका है। नहीं नहीं अभी मेरे पे नहीं आया, बट पड़ी है तो फिर इस साल के अंदर कभी भी आ जाएगी, इस साल आ जाएगी, बट दिवाली सेल में। तो भाई अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, फटाफट से कराओ 30 करोड़ व्यू, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी मस्त करके। अरे यार, अरे अंकल क्या करना चाह रहे हो? सो गाइस फिलहाल यहाँ से तो खैर हम लोग निकल चुके हैं, एंड टाइम हो चुका है भाई शाम के 8:30 से ज़्यादा हो चुका है, मतलब 8:50 हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, एंड फिलहाल हम लोग जो है भाई फटाफट से निकल रहे हैं। एंड आज इन्होंने बाइक की जो रेल बनाई है ना, भयंकर एग्जॉस्ट दे दे के भाई साहब। एंड आज का व्लॉग नाइट में शूट हो रहा है कुछ इस तरह से, एंड हम लोग भी निकलते हैं फटाफट से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मैन। एंड मैं तो भाई इतनी रेव करता भी नहीं हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। ओह क्या बात है, क्या बात है, आवाज़ चेक कर पा रहे हो भाई तुम लोग, एक नंबर। एंड लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना भाई, लिटरली अनबिलीवेबल, इतने भयंकर रिएक्शन आ रहे हैं मैं क्या ही बताऊं। बाकी आज मेरे को भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, एंड भाई यहाँ पर जो भाई आवाज़ आ रही है ना भाई, एक नंबर। ओह भाई 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 अभी तो भाई मुझे खुला रोड चाहिए, मेरे को फटाफट से घर पहुँचना है, एंड हिमानी के लिए मेरे को एकदम एडिशन लेनी है, एंड यहाँ पे पुलिस वाले अच्छा हुआ भाई देखा नहीं इन्होंने। तो भाई मुखानी वाले साइड से चलते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, एंड अभी फिलहाल कुछ इस तरह के टूटे हुए रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं, देख सकते हो वहाँ रात के टाइम पे इस तरह के रास्ते से जाने में ना लिटरली बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मेरे को भयंकर खड़े होकर चलानी पड़ रही है, ये देख सकते हो भाई भाई साहब। ओहो हो 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 गड्ढे गड्ढे कितने भयंकर। तो फिलहाल यहाँ पे एक दवाई की दुकान तो आ गई है, एक नहीं भाई दो दुकानें हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं फटाफट से। भैया विक्स एक्शन 500 है, 4 दे दो। एंड अभी गाइस मेरे पेटीएम में क्या दिक्कत हो रही है ये भी दिखाता हूँ तुम्हें, देखो अभी जैसे मैं क्यूआर कोड स्कैन करूँगा ना, ये देखो ये देख रहे हो भयंकर कैसे डिस्को जैसा चल रहा है, तो पहले मुझे इसका फोटो लेना पड़ेगा एंड उसके बाद जाके पेमेंट करनी पड़ेगी। भैया मेरे को नंबर बता दो यार, नंबर बता दो जिस पे मतलब ये जिसके साथ लिंक है ये। सो गाइस फिलहाल ये विक सेक्शन 500 ये तो हम लोगों ने ले लिए, एंड अभी इसको फटाफट से भाई जेब में डालते हैं, निकलते हैं हम लोग क्योंकि अभी इस तरह के रोड से हम लोगों ने निकलना, बाकी वाला रोड तो है ठीक हो ही चुका है, वो सामने देख सकते हो तुम लोग वहाँ से, क्या रोड सारा सही है। तो फिलहाल आ चुके हम लोग मुखानी वाले रोड पे, और ये चेक करो भाई, ओहो एक नंबर। अभी देखो पूरा रोड खाली है तो आराम से भगा सकते हैं, बाकी ना वाइजर ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, सारी है ना रिफ्लेक्शन एकदम मेरा मुंह पे पड़ती है। तो अभी गाइस फिलहाल हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, जोमेटो वाले भैया देख के चलो, रात का टाइम है, भयंकर बिना इंडिकेटर दिए भाई अगला है ना रोड क्रॉस करने लगा, वो तो अच्छा भाई ब्रेक मार दी मैंने भयंकर, नहीं तो अभी थूक जाते भयंकर दोनों। एक तो भाई रात का टाइम है देख के चलना चाहिए वैसे भी।